तो बेमेतरा के बिरनपुर में हुई घटना और छत्तीसगढ़ बंद को लेकर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा है कि चुनावी साल में भाजपा अफवाह फैला रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद का छत्तीसगढ़ बंद असफल है और भाजपा शांत छत्तीसगढ़ में माहौल बिगाड़ना चाहती है। उन्होंने कहा कि सभी दोषियों पर कार्रवाई की जा रही है। गृह मंत्री से बात की हमारे संवाददाता सौरभ सिपरिहा ने। बेमेतरा जिले के बीरनपुर गांव में दो गुटों में विवाद हुआ और एक युवक की मौत हुई। उसके बाद जो है राजनीतिक माहौल जो है काफी गर्म है और आज छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया गया था और इस वक्त मेरे साथ जो है गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू जी हैं। साहू जी, इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखें? घटना के संबंध में स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहूंगा कि दोषियों को सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। सब कुछ कांग्रेस सरकार के संरक्षण में हो रहा है, पुलिस के सामने में ये घटना घटी है, ये सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस सरकार के संरक्षण में ये हो रहा है, ये राजनीतिक उनका दृष्टिकोण है और सामने चुनाव के कारण इस प्रकार के आरोप जबरदस्ती लगा रहे हैं। कोई सरकार कैसे इस प्रकार की बात को हवा देगी? वही लोग होते तो क्या इस प्रकार की बातों को हवा देते? ऐसा कुछ नहीं। कांग्रेस के संरक्षण में इस प्रकार की कहीं कोई कार्यवाही नहीं हुई है, बल्कि कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के सरकार जो है वो पूरी तौर पर मुस्तैद है। पिछले कुछ महीनों में देखा गया कि इस तरीके की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, नारायणपुर, धमतरी या सरगुजा के कुछ जिले। तो सर, ऐसे में क्या आपको नहीं लगता गृहमंत्री के इसमें कि एक बैठक होनी चाहिए ताकि जो भी इस तरीके की घटनाएं आए, चाहे हो सकता है कि आगामी दिनों में, जैसे आप ही कह रहे हैं कि चुनाव नजदीक है तो आएंगे, तो क्या एक बैठक होनी चाहिए इस पर? नहीं, हम लोग अपने विभागी लगातार बैठक करते रहते हैं, समीक्षा करते रहते हैं। मैंने खुद भी पिछले बार बैठक लिया था तो कहा था कि चुनावी वर्ष है और इसमें ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, और भी ज़रूरत पड़ने पर बैठक ले लेंगे। तो ये थे हमारे साथ गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी, जिन्होंने बताया कि अभी स्थिति सामान्य है और उन्होंने कहा है कि जो बंद का आह्वान किया गया था वो असफल है। और एक बात उन्होंने भी कहा है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे वैसे वैसे भाजपा जो है अपने कई कारनामे करते रहेंगे ताकि राज्य सरकार को नुकसान हो सके। लेकिन उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि आने वाले दिनों में एक बैठक भी बुलाई जाएगी ताकि इस तरीके की स्थिति है उसको शांतिपूर्ण तरीके से कंट्रोल किया जा सके। कैमरामैन योगेन मिश्रा के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC24 रायपुर।